जिस धरती में सूरज की पहली किरणें गिरती है उस पावन भूमि में आपका स्वागत है। मैं स्वागत करती हूँ उस धरती में जहाँ माँ कामाख्या वास करती है। आप सभी को स्वागत है उस भूमि में जहाँ महापुरुष शंकर देव जी का जन्म हुआ था। भाजपा को जो मूल विषय है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का महान प्रवक्ता थे महापुरुष श्रीमंत शंकर देव, जो 500 साल पहले ये लिख के गए थे कि हम लोग बहुत पुण्य करने के बाद मानव के रूप में जन्म लेते हैं और कोटि कोटि पुण्य करने के बाद मानव के रूप में भारत में जन्म लेते हैं। और ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदाहरण 500 साल पहले महापुरुष श्रीमंत शंकर देव जी ने दिया था, जिनका जन्म इस पवित्र भूमि में हुआ था। मैं स्वागत करती हूँ उस पावन भूमि में जहाँ भारत में एक ही पुरुष नदी है, वो है ब्रह्मपुत्र। स्वागत है आपको यहाँ वहां जहाँ धरती के सबसे बड़ी नदी द्वीप है माजुली और सबसे छोटी नदी द्वीप है उमानंद। स्वागत है इस पावन भूमि में जहाँ प्रसिद्ध काजीरंगा अभयारण्य में विश्व की प्रसिद्ध एक सींग वाला गेंडा है। जब महात्मा गांधी जी असम में आए थे तो वो कहते थे कि महिलाएं, असम की महिलाएं करघुम पर अपने सपने बुनती हैं। मैं स्वागत करती हूँ उस धरती पे जहाँ प्रसिद्ध मूल्यवान मुगा सिल्क का उत्पादन होता है, जो मैं पहन भी रही हूँ। ये वही धरती है जहाँ चाय का उत्पादन होता है, मेरे देश के साथ पूरे देश को, पूरे दुनिया को चाय पिलाती है ये असम। स्वागत करते हैं उस भूमि में जहाँ भोगेश्वरी फुकन्नी कनकलता जैसे वीरंगनाओं का जन्म हुआ था इस धरती में, जो स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्र के लिए जान दे दी थी। वही भूमि है ये जहाँ वीर लासित बरफुकन ने 17 बार मोगलों को पराजित किया था। स्वागत है आपको वहां जहाँ हमारे सबसे लंबी नदी पुल भूपेन हाजरिका सेतु देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था। यही वो भूमि है जहां हीमा दास, लावलीना बोरगोहाइन, नयनमणि सैकिया जैसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। और इसी पवित्र भूमि में हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अष्टलक्ष्मी का दर्जा दिया है। और इसी पावन भूमि में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महिला मोर्चा की ये कार्यकारिणी का बैठक दिया है। मैं और हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट की तरफ से ये सिद्धांत लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्षा वानती श्रीनिवास सिंह का हम हृदय से स्वागत और धन्यवाद करते हैं। और मुझे अच्छा भी लग रहा है कि हाल ही में हम लोगों ने असम प्रदेश महिला मोर्चा ने 2 साल कंप्लीट की है, तो इसी शुभ क्षण में ये कार्यकारिणी का ये बैठक हुआ है, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। हर राष्ट्र निर्माण में नारी शक्ति का योगदान अपरिसीम है। जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं, और जिस समाज में महिला बढ़ चढ़कर विभिन्न क्षेत्र में कार्य में भाग लेती है वहां प्रगति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। घर हो या गृहस्थी हो, राष्ट्र निर्माण का काम हो, नारी के योगदान के बिना कोई भी निर्माण पूर्ण नहीं हो सकता है। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में महिला हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, हर क्षेत्र में महिलाओं को अधिकार दिया जा रहा है। और आपको बताते हुए हमको खुशी हो रही है कि हमारे असम में महिलाएं बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, विशेष रूप से राजनीति में। आप जितने भी आप देखोगे यहाँ पे मीटिंग, महिला ही ज्यादा से ज्यादा रहते हैं। और हमारे असम में महिलाओं की सुरक्षा के लिए चाइल्ड मैरिज हो या बहु विवाह हो, ये कुप्रथा को जड़ से मिटाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी ने सख्त से सख्त कदम उठाए हैं। मैं आशा करती हूँ ये कार्यकारिणी सफल होगा। और हम सभी लोग जानते हैं वास्तु, हम लोग सभी विश्वास करते हैं, और वास्तु के हिसाब से ईशान दिशा सबसे ज्यादा पवित्र माना गया है। और
सबसे ज्यादा ऊर्जा देते हैं ये ईशान दिशा, और इस देश की ईशान दिशा में महिला मोर्चा की, राष्ट्रीय महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक यही से शुरुआत हुआ है, और शुरुआत जहां अच्छा से होता है खत्म भी अच्छे से ही होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी असम प्रदेश के माननीय अध्यक्ष भवेश कलिता जी का मार्गदर्शन में, और हम सभी कार्यकर्ता बहुत कोशिश किए हैं, क्योंकि पहली बार नॉर्थ ईस्ट में हुआ है, हम लोगों ने आपको कोई तकलीफ ना हो रहने में या खाने में जो भी हो, मैं यही भगवान से प्रार्थना करूंगी, क्योंकि पहली बार हुआ है, आप सभी लोग एक अच्छा अनुभव लेके यहाँ से अपना घर लौटेंगे, मैं यही कामना करती हूँ और आशा करती हूँ ये दो दिन का कार्यक्रम सफल हो। नारी गौरव है, सम्मान है, आदि शक्ति का दूजा नाम है, नारी के ही द्वारा रचा ये विधान है, ये नारी शक्ति है, नारी शक्ति तुझे शत शत प्रणाम है। अब होश में आए हैं, अब जोश में आए हैं, अब उठ बैठे हैं हम, तूफान मचा देंगे, सदियों की गुलामी को हम सत्य भगाया है, दुनिया के लुटेरों का दुनिया से मिटा देंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबका स्वागत करते हुए मैं अपने शब्दों का विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।